नीट एस्पिरेंट्स, नीट 2023 स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एमबीबीएस कोर्स के लिए आपको 2023-24 में फ्री एडमिशन होगा। ये आपको फ्री एडमिशन का जो कॉलेज है, श्री मधुसूदन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, कॉलेज चिकलावरपुर, यहां पर आपको फ्री एडमिशन होगा। हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए भी कोई फीस आपको नहीं ली जाएगी, कोई फीस आपको नहीं लिया जाएगा। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च में हॉस्पिटल भी है, वो भी आपको फ्री है, दवाइयां वहां पर फ्री मिलती है। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देते हैं। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिसर्च कर्नाटका का बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और ये कॉलेज आपको सब्सिडाइज प्रोवाइड करती है क्वालिटी एजुकेशन, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का आपको प्रोवाइड करती है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का आपको प्रोवाइड करती है, और ब्रिलियंट इंटेलेक्ट्स को डेवलप करने के लिए यहाँ सारी आपको व्यवस्था है। और कॉलेज जो है आपको श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन एक्सेलेंस से अप्रूव्ड है, और नेशनल मेडिकल काउंसिल से आपको अप्रूव्ड है। यहां पर आज आपको इस कॉलेज के बारे में क्या फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको डिटेल से आपको जानकारी लेंगे। जो इसमें आपको एडमिशन होगा वो कर्नाटका के नीट काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू होगा। जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई किए हैं उसी का आपको इसमें आपको एडमिशन दे होगा। इसमें आपको कॉलेज समरी बताई जा रही है, कोर्सेस ऑफर्ड बताया जा रहा है, एमबीबीएस सिलेबस क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और नीट का कट ऑफ आपको मार्क्स क्या है, और कर्नाटका नीट काउंसलिंग 2023 के बारे में बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। रैंकिंग एंड रिपुटेशन का ऑफ द कॉलेज के बारे में बताया जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जाएगा। इस मेडिकल श्री मधुसूदन मेडिकल कॉलेज आपको एक एकेडमिक ब्लॉक है और टू टीचिंग हॉस्पिटल है, जो कि आपको क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड द फाइनेंशियल स्टेटस, ऑल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको प्रोवाइड कर रही है। श्री सदगुरु मनसूदन प्रोवाइडेड ए 400-bedded टीचिंग हॉस्पिटल विद इन द कैंपस लिमिट। कॉलेज के मेजर डिटेल्स के बारे में पहले आपको जानकारी देते हैं। इसके नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च मुदनहली। लोकेशन मुदनहली कर्नाटका में है। ये 2023 में आपको इस्टेब्लिश हुआ है। ये इंस्टीट्यूट टाइप आपको प्राइवेट है। ये इसका एफिलिएशन श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर ह्यूमन एक्सेलेंस के साथ में आपको हुआ है। अप्रूव्ड है नेशनल मेडिकल कमीशन से, आपको अप्रूव्ड है। काउंसलिंग आपको कर्नाटका से होगा, आपको लिंक आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। कोर्सेस यहाँ पर एमबीबीएस के होते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी वहां पर है, अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी आपको, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के लिए आपको हॉस्टल फैसिलिटी है।
नीट स्टडी मटेरियल के लिए साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट नीट की कोचिंग कराता है, नीट के अच्छी स्टडी मटेरियल आपको देता है, यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे सस्ता इंडिया में आपको संस्थान है नीट कोचिंग का। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। यहां नीट की आपको सारी जानकारी आपको आपको यहां पर आपको आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ये आपको एफिलिएटेड है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस से और नेशनल मेडिकल कमीशन से आपको अप्रूव्ड है। ये प्राइवेट है, जो जो फैसिलिटी आपको यहां पर आपको अवेलेबल है यहां पर आपको दिया हुआ है। लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन है, मेडिकल साइंस वेलफेयर साइंस है, आईसीयू है, ब्लड बैंक है, ओपीडी है, लेबोरेटरी है, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स है एंड कंप्यूटर लैब्स है। सारी फैसिलिटी के बारे में आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। ये जो कोर्सेस ऑफर करती है एमबीबीएस का ऑफर करती है जिसका ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है 4.6 इयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। मदर हेली में आपको ये इंस्टीट्यूट है और इंटेक आपको 100 सीट्स का इसको ऑफर किया गया है। 100 सीट्स बहुत ही अच्छा आपको सीटें हैं, 100 सीट्स का ऑफर यहां पर आपको किया गया है। जो सिलेक्शन होगा उसके बारे में यहां पर आपको आपको बताया जा रहा है। एमबीबीएस सिलेबस यहां पर आपको क्या होगा वो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। फेज प्री क्लिनिकल में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, दो सेमेस्टर में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी आपको बताया जाए। पारा क्लिनिकल में 3, 4, 5 सेमेस्टर्स में कम्युनिटी मेडिसिन, फोरसेनिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबोलॉजी, क्लिनिकल पोस्टिंग इन वार्ड्स एंड ओपीडी टू बिगेन हियर, ये आपको बताया जाए। और क्लिनिकल में 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर, ये आपको 4 सेमेस्टर होता है। इसमें कम्युनिटी मेडिसिन, मेडिसिन इन एलाइड सब्जेक्ट, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, ओबेसिटी, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। एनेस्थियोलॉजी, ईएनटी, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड क्लिनिकल पोस्टिंग के बारे में आपको जानकारी है। एमबीबीएस इंटर्नशिप जो आपको होगा, टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है कम्युनिटी मेडिसिन में 2 मंथ्स का होगा, मेडिसिन इंक्लूडिंग 15 डेज ऑफ द साइकेट्री 2 मंथ्स का होगा, सर्जरी इंक्लूड 50 डेज ऑफ द एनेस्थिया 2 मंथ्स का होगा, ऑब्स्ट्रे गायनेकोलॉजी इंक्लूडिंग फैमिली वेलफेयर प्लानिंग 2 मंथ्स का होगा, पेडियाट्रिक्स आपको 1 मंथ का होगा, ऑर्थोपेडिक्स इंक्लूडिंग पीएमआर 1 मंथ का होगा, ईएनटी आपको 15 डेज का होगा, ऑप्थोल्मोलॉजी आपको 15 डेज का होगा, कैजुअल्टी आपको 15 डेज का होगा, इलेक्टिव पोस्टिंग आपको 15 डेज का होगा, 12 मंथ का आपको इंटर्नशिप होगा। हाईली एडुकेटेड फैकल्टीज आर देयर, वेल ट्रेंड, गुड रेशियो ऑफ द फैकल्टी आर देयर इन द श्री मधुसूदन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च कर्नाटक। यहां पर आपको अच्छी फैकल्टी आपको ट्रेनिंग फैकल्टी आपको अवेलेबल है। जो एडमिशन प्रोसेस है आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। एंट्रेंस एग्जाम आपको नीट यूजी आपको एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय एनटीए आपको क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा।
नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कीजिए, फिर काउंसलिंग प्रोसीजर में आफ्टर द क्वालिटी नीट एंट्रेंस एग्जाम कैंडिडेट मस्ट पार्टिसिपेट, कर्नाटका नीट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड फी पेमेंट होगा, एट द लास्ट स्टेप कंफर्म ऑफ द एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहां पर आपको दिया हुआ है 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द 50 मार्क्स, 50% मार्क्स, ये एमबीबीएस का आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। फी स्ट्रक्चर आपको फ्री है, नॉट एप्लीकेबल, कंप्लीटली फ्री एडुकेशन है, हॉस्टल में भी आपको फ्री एडमिशन है फॉर दिस ईयर 2023 एंड 2024। नीट कट ऑफ मार्क्स 2022 का आपको दिखाया जा रहा है, अनरिजर्व के लिए 50 परसेंटाइल है, 715 से 117 कट ऑफ मार्क्स उसका रहा था, ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल है, 116 से 93 कट ऑफ मार्क्स रहा आपको रहा था, ओबीसी एससी एससी और एससी एसटी के लिए 48 परसेंटाइल है, अनरिजर्व ईडीएस पीएस के लिए 45 परसेंटाइल है, 116 से 105, ओबीसी एसटी एसटी एंड पीज फिजिकली हैंडीकैप के लिए 40th percentile है, 4104 से 93। कर्नाटका नीट काउंसलिंग 2023 के बारे में आपको यहां पर आपको जानकारी दिया रहा है। पहले आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नीट काउंसलिंग के लिए, वेब काउंसलिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग प्रोसेस आपको नीट काउंसलिंग का आपको कर्नाटका नीट काउंसलिंग का आपको करना पड़ेगा, जिसमें कॉलेज का कॉलेज कोड प्लेस कोर्सेस एंड डिस्ट्रिक्ट नेम के बारे में आपको बताना पड़ेगा, फिर सेविंग चॉइस आपको यहां पर आपको देना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है, नीट यूजी एडमिट कार्ड, नीट यूजी स्कोर कार्ड और रैंक लेटर, क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12 सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट, आईडी प्रूफ, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड द पासपोर्ट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ये आपको यूजी कैंडिडेट के लिए आपको बताया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूट का जो रिपुटेशन है वो बहुत ही अच्छा है, एडुकेशन बहुत ही अच्छा है, फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहां पर आपको दिया गया है। सत्य साई ग्रामा मुडल हैली पोस्ट 562101 चिक्का बलरपुर तालुक एंड डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इंडिया, ये उसका एड्रेस है, वेबसाइट आपको दिया हुआ है। जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द मेडिकल एस्पिरेंट एट द साई मेडिकल कॉलेज, 100 सीट्स आर देयर, डज साई मेडिकल कॉलेज हैव ए हॉस्टल, आंसर है यस, डज साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस प्रोवाइड इंटर्नशिप, आंसर है यस, how to get admission in the Sai Medical College Chiklabarpur means through the NEET exam to get the Sai College Chiklabur, ये आपको एड्रेस आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, चिक्कलबरपुर तालुक डिस्ट्रिक्ट एंड कर्नाटक, ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ये आपको प्राइवेट है, आपको नेशनल मेडिकल कॉलेज काउंसिल कमीशन से एफिलिएटेड है, इसकी डिग्री आपको वैलिड है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर आपको साई मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको दिया गया। आप वीडियो को पूरा
देखिए, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्री एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है न्यूट एस्पिरेंट्स के लिए, हाउ टू गेट ए फ्री मेडिकल डिग्री एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। कॉलेज की पूरी जानकारी आपको यहां पर आपको दी जा रही है। नीट कोचिंग में एडमिशन के लिए आप साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट दाबड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में है दिल्ली में, वहां पर आप एडमिशन लीजिए। लो कॉस्ट में आपको, सबसे लो कॉस्ट इंडिया में आपको प्रोवाइड करती है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करती है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आपको प्रोवाइड करती है, आपको नीट की जबरदस्त कोचिंग आपको यहां पर आपको दिया जाता है। आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं।